नमस्ते देशवासियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लड़के हैं या बूढ़े हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं कि मतलब जो जंगल होता है उसमें आग लगा देते हैं। तो इससे आपको ये होता कि आपने तो मस्ती में किसी के घर में आग लगा दी, लेकिन मतलब कोई चिड़िया है उसका घोंसला जल जाता है, उसके अंडे जल जाते हैं, उसके बच्चे जल जाते हैं, और जो पंछी होते हैं वो जल जाते हैं, कोई शेर है उसके मतलब पूरा मतलब शेर नहीं जल जाती, उसके बच्चे जल जाते हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं या कोई भी, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। ऐसी आप जो मस्ती में दीपावली के दिन जो आग लगाते हो उसमें एक जानवर का नहीं, कई जानवरों का घर जल जाता है। और IPCC अकॉर्डिंग टू IPCC वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी एक जुर्म है, और वैसे भी एक जुर्म है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि दीपावली के दिन आप दिवाली तो मनाएं, लेकिन जो जंगल वगैरह है वहाँ आग ना लगाए, क्योंकि ये आपके लिए भी सही नहीं होगा। आपके लिए सही इसलिए नहीं होगा कि ये वायु प्रदूषण के मुकाबले ये इतना वायु प्रदूषण फैलाता है कि इससे इतना प्रदूषण बढ़ जाता है कि अभी जो केजरीवाल थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऑड इवन सिस्टम शुरू किया था, इसी वजह से किया था। जंगलों की लगने वाली आग एक इसका उदाहरण है। अगर किसी का घर जल जाए, किसी पशु पक्षी का, तो अच्छी बात नहीं है। कोई जल के मर जाए अच्छी बात नहीं, और करोड़ों हजारों लाखों की तादाद में ऐसे कई जंगली जानवर जल जाते हैं। जो आप दिवाली के दिन आग लगाते हो, अपने इंजॉय के लिए आग दारू पीने गए, वहाँ आग लगा दी, बस आपने आप तो आ गए घर, आप तो सुरक्षित हो, अपनी दिवाली मना ली खा पी के, और किसी जानवर का घर जलना, किसी पक्षी का घर जला तो गलत बात है। तो आप इन्हीं चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात है, जो विस्फोटक होते हैं उन्हें कभी हाथ में उठा के ना जलाए, चाहे पटाखे चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनसे इतनी भयानक करंट छूटता है उनसे कि आपका हाथ भी डैमेज हो सकता है। उन्हें थोड़ा साइड में जला के जलाए। बाकी दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।